माय नेम इज़ ऋतुराज एंड वेलकम टू जियो वैली। सो इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस और वी आर गोइंग टू सी ऑल द पॉसिबल आंसर्स मोस्ट प्रोबेबली द ऑल द आंसर्स फ्रॉम पेपर वन फ्रॉम महाराष्ट्र सेट 2020, ओके, विच वॉज हेल्ड ऑन 27th December 2020। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं इस वीडियो में जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा हूँ, बस आंसर्स बता रहा हूँ। तो आंसर्स आप अपना जो कार्बन कॉपी था उसको देख के आप आंसर मैच करके अपना स्कोर कैलकुलेट कर सकते हो, और जो भी आपका स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाला भी वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ये जो मेरे पास है वो सी सेट है, ठीक है। उसके चार सेट थे ए बी सी डी, तो मेरे पास जो है वो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग सी सेट है, ठीक है। तो स्टार्टिंग यहाँ से हुई है मैथमेटिकल प्रॉब्लम से, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज और द आंसर इज ए, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर ए है। देन सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी है, ठीक है। तो एक मिनट में मेरा वीडियो इधर साइड में लेता हूँ, ठीक है। तो नाउ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का जो आंसर है वो ए है, 74 है। फोर्थ का आंसर हम देख सकते हैं कि बी 60। फिफ्थ का जो है वो सी है, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन दिए हुए मराठी और इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में हम देख सकते हैं। तो सिक्स का जो है वो आंसर सी है, सेवेंथ का जो आंसर है वो ए है, मैंने जो मार्क किया है हाईलाइटर से। एट्थ का बी, नाइन का ए, टेन का ए। क्वेश्चन दोनों साइड सेम है, ठीक है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस है, सॉरी। 11 का ए है, 12 का सी, 13 का जो है वो 165। अब ये दो क्वेश्चन सेम है, 13 और 14। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन एग्जैक्टली टू लैंग्वेजेस, यहाँ पे दो लैंग्वेज पूछा है और 14th में वन लैंग्वेज पूछा है, ठीक है। तो ये थोड़ा देख के कर लेना। तो 13 का बी है और 14 का सी है, 250। 15 का जो है वो डी है, अभी यहां से डेटा इंटरप्रिटेशन शुरू हो गया ये, ठीक है, 15 हो गया। 16 का जो है वो बी है, 17 का सी, 18 का जो है वो डी है, विजय भटकर सुपर कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चन था ये। 19 का जो है वो बी है, 20 बी, 21 ए एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, 22 का ए है। तो दोनों साइड जो ऑप्शंस है वो सिमिलर है, तो मैं जब ए बोलता हूँ तो दोनों साइड का ए ही आंसर होगा, ठीक है। 23 का जो आंसर है वो डी है, इंसिनरेशन। 24 का ऑल ऑफ द अबव डी। 25 का ए है, गुड़गांव में जो है। 26 का 24 बी आंसर है। 27 का जो आंसर है वो ए है, 180। 28 का जो है वो यूजीसी के बारे में था, प्रोवाइड फंड्स टू यूनिवर्सिटीज, डी आंसर है इसका। 29 का जो है ए है, नीरी जो ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट है वो पूछा था कहाँ पे। 30th का बी है, 31 का ए है। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी है, तो साइक्लिक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट लर्निंग और सी ऑप्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, तो मुझे लग रहा था कि ए ज़्यादा सही है, तो ए मैंने मार दिया है, ठीक है। 32 का है बी,
33 स्वयंप्रभा, 32 डीटीएच चैनल्स होते हैं उसमें, ए है। 34 का डी है, 35 का जो है वो डी है। अब ये जो क्वेश्चन है 35th, बहुत लोगों ने इसका आंसर दिया है कि ए नोटबुक चेकिंग है, तो मुझे ज़्यादा सही यहाँ पे असेसमेंट लगा, तो डी है इसका आंसर। 36 जो है वो डी है, डायलॉग मेथड दिया था सॉक्रेट्स ने। 37 का जो है वो ए है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। 38 का जो है वो बी, डिलिमिटेशंस। 39 का जो है वो मेडियन, बी आएगा। 40 का जो है वो अनएथिकल, मतलब दूसरे रिसर्च पेपर से जो ये किया है डेटा यूज़ करके पब्लिश किया, तो अनएथिकल हो जाएगा ये, बी। 41 का जो है वो डी है, पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, मराठी और इंग्लिश दोनों दिख रहा है, डी है। अब ये जो है वो यस, ये जो क्वेश्चंस है 41 के बाद वो पैसेज पे थे, मैंने पैसेज इसमें इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन आंसर्स तो देख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड जो क्वेश्चंस है 41 41, तो ऑप्शन नंबर तो सेम रहेगा, लेकिन दोनों का जो पैसेज होता है वो अलग अलग रहता है, लेकिन ऑप्शन नंबर मतलब आंसर का जो ऑप्शन होता है वो सेम रहता है। तो 41 का जो है वो डी है, 42 का जो है वो सी है। क्वेश्चन पढ़ के करना आप, ठीक है। अब 42 में मैंने गलती से यहाँ पे ए मार दिया था, तो वो सी आएगा आंसर। 43 में यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, उसके लिए सॉरी। तो इसका जो आंसर है वो मैंने ये कर दिया है, बी इसका आंसर होगा, मैंने गलती से ए मार दिया है, भयग्रस्त था मराठी में का, तो उसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ए आंसर नहीं है इसका, 43 का बी आंसर आएगा, ओके। 44, 44 का बी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, 44th नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, 44 का जो है वो बी आएगा। 45 का जो है वो ए आएगा, ठीक है, 45 का जो है ए आएगा दोनों साइड का। 46 जो है वो डी आएगा, सेंडर, सेंडर इज इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन के, मिलर ने जो दिया था डेफिनेशन। 47 का जो है वो ए आएगा, जो सीक्वेंस होता है वो कलेक्शन, फॉर्मुलेशन, एनकोडिंग और प्रोजेक्शन। 48 का जो है वो डी आएगा, फीडबैक आएगा, तो बहुत लोगों ने मीडिया मारा है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो फीडबैक है, ठीक है, डी है। 49 जो है उसका सी आएगा, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में नंबर ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व पूछा है। और 50 जो लास्ट है उसका आएगा डी, ठीक है। तो मैं एक और बार बता देता हूँ, यहाँ पे जो एक क्वेश्चन में गड़बड़ हुआ था, 43 का जो आंसर है वो ए आएगा, सॉरी ए नहीं आएगा, बी आएगा, तो गलती से ए मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पे, तो इसका जो आंसर है वो बी है, जो बी मतलब इंग्लिश में डाउटफुल, और 43 का मराठी में जो है वो निसर्गातीतता, ठीक है। तो ये दोनों इसके आंसर है, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ रिगार्डिंग सेट एग्जाम महाराष्ट्र एंड सो ओके, थैंक यू सो मच।